अस्सलाम वेलकम बैक टू हरी ब्लॉग्स। और आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बर्थडे ब्लॉग है। जैसे कि मैंने मिर्ज़ाप का ब्लॉग बनाया था, तो वैसे ही एक बेबी का ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। जो मेरी खाला है ना, मेरी टोटल 5 खाला है, तो उनमें से जो मेरी सबसे बड़ी वाली खाला है ना, उनके बेटे की बर्थडे है। और वो आज फाइनली 1 ईयर का होगा। उसका नाम होगा शामिर, मतलब उसको तो हम डड्डू बुलाते हैं। बहुत क्यूट सा नेम है डड्डू, मतलब हम उसको बुलाते हैं। और वो इतना ज़्यादा क्यूट, मतलब दुनिया में जितने भी मैंने बेबी देखे ना, सबसे ज़्यादा क्यूट है। मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। तो देखो ये है पिक्चर, कितना क्यूट लग रहा है ना। एंड इसका नाम शामिर है, जिसके मैंने आपको बता दिया। और आज ये पूरा 1 ईयर का हो जाएगा। तो हम लोग को जाना है शाम में बर्थडे पार्टी में, क्योंकि वो मेरी खाला के बर्थडे पे दोनों इन्वाइट करना है, क्योंकि मम्मा उनकी बहन है। तो हम लोग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आएगा। बैंक्वेट में है तो और भी मज़ा ट्रिपल होगा। सारे हमारे ख़ानदान वाले, ननिहाल वाले होंगे। तो बुशरा खाला के मैं आपको लुक दिखाती हूँ। और आप अगर, और बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले फादर की, डोली की फादर की शादी, तो इन फ्यूचर में बहुत सारे ब्लॉग आएंगे, तो उसको मिस मत करना और इस ब्लॉग को नहीं। चलो अभी तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, फिर शाम को नहाकर मैं आपसे मिलती हूँ। स्टेडियम की मैं अभी स्कूल से आई हूँ, तो मुझे नींद भी आ रही है। स्टेडियम अल्लाह हाफिज़। फाइनली मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 4:53 हो रहे हैं, यानी कि 4 बज रहे हैं और उसके साथ 53 हो रहे हैं। तो अब आप सोचें कि मेरी मम्मा और मेरे बाबा और मेरे दोनों बहन भाई साथ में गए हुए हैं कहीं, मतलब दो बाइक हैं, तो एक में दो आकर जा रहे हैं। तो वो चले चुके हैं, तो वो जब चले गए तो बच्चा कौन घर में, मैं अकेली हूँ। देखो मैं सच बोल रही हूँ, देखो कोई भी नहीं है घर में, सिर्फ मैं अकेली हूँ। क्योंकि मुझे नहाना था तो मैं इसलिए नहीं गई, बट वो कुछ काम से गए थे तो मेरा जाना ठीक नहीं था। तो अभी हम जाएंगे बुशरा, अभी हम रेडी होने के लिए बुशरा खाला के घर जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, फिर जब हम उधर जाएंगे फिर उसका भी मैं ब्लॉग लूँगी। सो स्टे ट्यून, फोन में चार्जिंग तो बढ़नी है ना। स्टे ट्यून। पहले हम बुशरा खाला के यहाँ पहुँच चुके हैं, और जब मेरा पूरा लुक होगा फिर मैं आपको, ठीक है। और बुशरा खाला से पूछे, बुशरा खाला मुझे अच्छा तैयार करेंगे कि बुरा? बहुत हसीन परी। बहुत झूठी तारीफ करनी है मेरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या करें, चलो फिर जब मेरा लुक होगा तब आपको दिखाऊंगी। स्टे ट्यून गाइस। ये सारा सामान है जिसको हम पहनेंगे, और इतनी ज़्यादा हो गई। और ये मेरा ड्रेस है, ड्रेस ये है मेरा ड्रेस, ये 3000 का ड्रेस है पूरा। बहुत ज़्यादा स्टाइल है, बहुत अलग है, और उस पर लाइट नहीं कभी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ से ना इसे ना बेल्ट बदलेगी, इसे डॉट होगा तो वो बहुत प्यारा लगेगा। तब देखते हैं मैं कैसा लुक करती हूँ, ठीक है। और इस पर मैं बहुत ही अच्छा रेडी होने वाली, क्योंकि मैंने रिंग्स भी सेलेक्ट किए, सब कुछ किए, बहुत प्यारा मेकअप बना रहा था। आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है, मेरा मेकअप कुछ इस तरीके का है। तो देखो, और कभी बताएगा मेरा मेकअप कैसा लगा। मुझे तो लग रहा है आज मैंने बहुत अच्छा मेकअप करा है। और अब मैं ड्रेस पहनने जा रही हूँ, ड्रेस के साथ ज्वेलरीज जो भी होगा वो सब पहनूंगी। और मुझे लग रहा है आज मेरा मेकअप सबसे अच्छा हुआ है, थैंक्स टू बुशरा खाला, जिन्होंने मुझे चीज़ें दी कि ये लगाना है, वो लगाना है। और मैंने ग्लिटर लगाई थी, देखो ग्लिटर मैंने वाली लगाई थी, देखो पूरा सामान लिटरली। और इतना अच्छा मेकअप है ना, आपको बहुत अच्छा लग सकता है। तो कहाँ है वो ग्लिटर? कुछ था ग्लिटर से जो मैंने लगाया था, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। और फिर मैंने काजल लगाया, मस्कारा लगाया, और बहुत प्यार से लिपस्टिक लगाई, सो बहुत प्यारा है। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस पहनने के लिए। सो ड्रेस पहनने के लिए और मैंने बाल भी स्ट्रेट करवाए थे, अच्छे लग रहे थे। मेरा उलझा लिया है अभी, बट वैसे स्ट्रेट करवाया था। मैं ड्रेस पहन रही हूँ, स्टे ट्यून। ओके सो गाइस, फाइनली मैंने ड्रेस भी पहन ली, और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो अभी मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊँ। मैंने अभी बाल नहीं बनाए, बाल स्ट्रेट है तो शायद मैं खुले रखूँ, बट कुछ तो मैं बनाऊँगी तनिक कहाँ से मैं। ओके चिक चुका मिल गई, यहाँ पर लाइट ही आ रही, बट स्टिल मैं दिख रही हूँ। सो दिस इज माई फाइनल लुक। अभी बाल बनना, ज्वेलरी वगैरह रहता है तो मैं वो भी रहूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। जब बाल बन जाएंगे तब मैं आपको अपना फुल लुक दिखाऊँगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस। अब मैंने नेल्स भी बनाए, तो वो मैं आपको नेल्स दिखा दूँगी कि मैंने कैसे नेल्स बनाए। मैंने लिपस्टिक को भी हाईलाइट कर लिया, मस्कारा को भी, सो मैंने नेल्स बनवाना है, नेल आर्ट किया, क्योंकि मेरी ड्रेस कुछ ऐसी है। और ये फ्रॉक है बेसिकली, कोई स्कर्ट और वो नहीं है। बहुत प्यार से मैंने नेल आर्ट बनाया और साथ में भी बनाया। मुझे अपना ये वाला बहुत पसंद आ रहा है। और कमेंट में आप लोगों को, मैं कमेंट ना, मेरे ना यूट्यूब वाले अलाउ नहीं करते, तो एक सेकेंड लाइट शायद पता नहीं। ओके, यूट्यूब वाले अलाउ नहीं करते, तो मुझे खुद जाकर क्वालिटी स्टूडियो से ना
ऑन करना पड़ता है, तो इस बार मैं ऑन कर दूंगी क्योंकि मुझे आपके पर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए। तो ज़रूर से बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, सो तब मैं आपको स्टे ट्यून्ड। और अभी हम खाने जा रहे हैं फ्राइज, क्योंकि मैंने सिर्फ दोपहर की खिचड़ी खाई हुई थी और मुझे बहुत भूख लगती थी, तो इससे अब फ्राइज आ गए। स्टे ट्यून्ड। साल बाद हमारी गाड़ी आई और हम नीचे उतर रहे हैं, सो जाए देख लें। ठीक है, बस एक लाइट नहीं जल रही है। कैसे भाई? कैसे भाई? बेबी बॉस, टू बॉस। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेबी बॉस की बर्थडे सबसे मेन कैरेक्टर की? मेन था खुश और जो ना मेरे शामिल दुआएं दे जी। शामिल एक एहसास है और जिसको सोचते ही मुस्कुराहट आ जाती है और दिल खिल जाता है और एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। कोई वर्ड्स ही नहीं है, इतने सारे वर्ड्स है, बोल नहीं सकते बस आप जी। एनर्जी बढ़ रही है बस। हाँ, रुमीना खाला को रिव्यू दे। तीन खा रहा है और भी हैं। तो गाइस बहुत सारी पिक्चर्स मैंने खिंचवा ली और अब मैं जा रही हूँ गिफ्ट देखने के लिए। दादाजी भी खाएंगे। देखिए इतने सारे मेरे लिए तो कोई गिफ्ट्स लाए उस मैं तो पागल ही हो जाऊँ। और पीछे से कुछ इस तरीके का लग रहे हैं सारे गिफ्ट ले यार, मुझे तो कभी इतने सारे मिले तक थे। सूट्स, शर्ट, ओह माय गॉड, बहुत सारे। और भी भाई अभी पैकेजिंग में और भी आ रहे हैं, मतलब वाह भाई वाह। बेबी नंबर 3, बेबी नंबर 2 बहुत प्यारी गर्ल बेबी। बेबी नंबर 4 बहुत क्यूट, सबसे स्पेशल स्पेशल बेबी हु इज द बर्थडे बॉय। एक और है लेकिन वो छोटी मतलब थोड़ी बड़ी बेबी जो कि है ज़ैनब, वो पता नहीं कहाँ घूम रही है। ये रही ज़ैनब। अली बाबा कैसे हो बेटा? हम सबकी फेवरेट
अच्छा जी, वो शामीर के फुप्पा फुप्पा आप लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। भाई फुप्पो टिप नहीं बता रही, सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे बिग बॉस शामिर की क्या बोल हमारे बिग बॉस शामिर की सालगिरह है, सेलिब्रेट सब लोग आ जाएं। आजा भाई, सब लोग आ जाएं केक कटिंग के लिए। तैयार हो रही है, सब लोग आ रहे हैं। हमारे बिग बॉस की बर्थडे। अरे मामू साइड से बनाओ ब्लॉग, इस साइड से। ये रखा होगा। फाइनली खाना खुल चुका।
और स्वाद में रशियन सैलड वगैरह, मीठा पता नहीं क्या है। ओ खाना खुल चुका है और मैंने लिया है बिरयानी और टिक्का क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। नहीं तब ऐसा आपने खा रही हूँ। और ये है क्या है, ये ब्रेड पफ, ब्रेड पफ है ये। और भी मज़े की चीज़ें हैं, कढ़ाई है वो मैं खाऊंगी मैम, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। मैं खाना खा लिया है और मेरी हालत इतनी अजीब हो रही है ना, मतलब मैंने खाना खाया ना, मेरी लिपस्टिक पूरी तो नहीं आती, अभी थोड़ी थोड़ी आ रहा है और नाना की लग रही है और मैं मोटी होती जा रही हूँ। और अभी मैंने खाना खा लिया, खाना सच में जितनी मैंने शादियाँ या बर्थडे पार्टी अटेंड की है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा खाना ये वाला है। और मुझे बहुत अच्छा, सबसे अच्छा खाना मुझे इस शादी का लगा, शादी का नहीं बर्थडे का बहुत अच्छा खाना था। अब मैं मीटर को रेट करेंगे कि कितना अच्छा है। सब चाय पीके जाइएगा, चाय तैयार है। तो गाइस अब हम मीठे को रेट करने वाले हैं कि मेरा कितना अच्छा है। तो खाने तो 10 out of 100 था, 100 में से करेंगे क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खाना 100 में से 100 था। अब मीठे की बात होने का स्टाइल तो यही है कि खा भाई खा। पहले स्पॉट वही को ना खा लिया। तुम्हारे लिए तो मुझे लगा मेरे ख्याल से जब पहले चार चार लेके आ रहा है यार, जहाँ से पैदावार हो रही है ना वहाँ से। मीठा मुझे 10 में से 9 लगा। एक मार्क्स मैंने इससे काटा क्योंकि जो मीठे में जो चीज़ें डाली हुई थी बहुत मज़े की थी, बट मुझे इतना मतलब नहीं पसंद वो चीज़ें, मुझे खाली खाली पसंद है। लेकिन जिस तरीके से मैं रेट करती हूँ वो होता है 10 out of 10। मीठा भी 10 out of 10 और खाना 100 out of 100 सब इक्वल। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, मुझे ये कोई नॉर्मल तरीके की चाय नहीं है, कश्मीरी पिंक कलर की चाय, पिंक वाओ। भाभी मुझे भी लगी लेकिन ये लोग कढ़ाई को मान नहीं रहे, ये लोग बोल रहे टिक्का कढ़ाई एक पहले ही लुकमे में जो आ रहा है। देख रहे हैं सब वाइंड अप हो चुका है, वहाँ से जो फेरल था इसको राउंड शेप के जिसमें बहुत सारे बैलून थे वो सब हो चुके हैं और मतलब खत्म, मतलब सब फाड़ कर वो हटा रहे हैं। और यहाँ से भी हो रहा है, हम सब वाइंड अप हो रहा है, गाने भी बंद हो चुका है क्योंकि 11 शायद लास्ट हो गई, शायद अभी और चढ़े पिक्चर्स वगैरह चल रहा है। और बर्थडे बॉय तो सो गया, सब बंद होने लग गया है। अब हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में घर, जा रहे हैं घर, पूरा हॉल खाली हो चुका है। हेलो गाइस, ओ शिट मैन, मेरी पूरी सैंडल्स मत जाओ, शिट मेरा दिन आज बहुत अच्छा गया था। यूनाइटेड भी अच्छी लगती है, हैं अच्छी लगती है, हां इसकी गाड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह। सब भी चीज का ना खुद ध्यान रखना पड़ता है, सही बात है। छोटी सी भी कोई चीज हां फौरन दिखा दो, बिल्कुल दिखाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हम मरियम की फैमिली के साथ जा रहे हैं, अभी हमें डिसाइड करके जा रहे हैं क्या एल्पाइन गैलेटो अपनी भांजी को दिया है। चलो उतरो उतरो उतरो, चलो 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 चलो
मैंने मरियम की फैमिली के साथ यूँ डिसाइड हुआ कि हम जा रहे हैं अल्पानी गलत और हम आ गए, लेकिन मुझे खांसी हो रही है तो मैं नहीं खाने वाली। क्या करें यार, ज़िंदगी होने वाली है। हम यार ये कहाँ की है, ये अल्पानी गलत तो मेरे को नहीं है क्योंकि वहाँ से हमारा प्लान बदल गया था क्योंकि मुझे खांसी हो रही थी और आ भी गया। किसी का गला खराब था खांसी तो मम्मा बाबा ने तो मना कर दिया। तब हम आज चाय पीने के लिए जो कि मस्त है, हर इंसान कर तब ये लोग चाय पी रहे हैं। मैं तो नहीं पी रही, मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ। गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंचे हैं। मैंने अपना मेकअप भी रिमूव कर लिया है और अभी लिटरली टाइम हो रहा है ओके 3:21 हो रहा है और मुझे इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की नींद आ रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैंने बर्थडे पार्टी में भी या फिर हम जहाँ बाहर गए थे, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहाँ पर शोर हो रहा था तो इससे मैं सही से बता नहीं पाई। हम लोग पहले जाए थे एल्पाइन जलेटो जो भी है मुझे नहीं पता, वहाँ गए फिर हम मेरे गला ख़राब था तो मतलब मैं ना खाऊँ तो किसी ने भी नहीं खाई, मम्मा पापा ने वैसे ही मना कर दिया था तो हम लोग ने कहा चलो छोड़ो। फिर हम लोग चाय के शॉप में गए और चाय ठंड में चाय कितनी पसंद है सबको, तो सबने कहा चलो चाय ही पीते हैं। तो सब वहाँ डिसाइड हुआ, मैं तो चाय नहीं पीती तो मैं तो आराम से गाड़ी में हम लोग मज़े कर रहे थे। तो इस तरीके से घर और आते आते इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना और शदीद किस्म की मुझे नींद आई। अभी मैंने वाइप्स अपने मुँह साफ़ किया और अभी भी मेरे से ग्लिटर आ रहा है। और अगर मैंने जो जितना भी मैंने व्लॉग किया है बहुत कम किया है, लेकिन अपना बेस्ट दिया है कि इतना अच्छा आए। और अगर आपको मेरा वाला व्लॉग पसंद आया, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर जाएगा मेरे सारे व्लॉग्स। और मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, हमारे घर ढोलकी, एक दाएँ पप्पू का घर ढोलकी है और एक फाजी का घर ढोलकी है, तो तीन ढोलकियों के व्लॉग्स आपको लगातार आएंगे तो इन फ्यूचर में तो बहुत मज़ा आएगा। तो उनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड इसको भी। बस अब मुझे बहुत नींद आ रही है सो, और मेरी आँखें भी आप देख सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।